Hello, Piho. Good afternoon. हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून. कैसे हैं आप सब? आज का व्लॉग मैंने आफ्टरनून से स्टार्ट किया है. दिखाने जा रही हूँ कि आज आफ्टरनून में यहाँ पे क्या बना हुआ है. तो आज बना है छोले चावल, सॉरी राजमा चावल, और साथ में है अरहर की दाल. और ये लस्सी मिलता है, डेली लस्सी छाछ कुछ ना कुछ मिलता है. मैं तो नहीं पीती हूँ, वर्मा जी और पीहू पीते हैं तो वो उनके लिए हो जाता है. मैं थोड़े से बस चावल खाती हूँ और साथ में कुछ सैलड और अचार, बस इतना ही मेरा लंच रहता है. क्योंकि लंच के टाइम यहाँ पे रोटियाँ नहीं बनती हैं. मैं आपको शायद पहले के अपने व्लॉग्स में मैंने बताया है, तो रोटियाँ नहीं बनती हैं और आफ्टरनून में सिर्फ ये रहता है, चावल ही रहता है, उसके साथ दाल सब्जी वगैरह ये रहता है और फ्रूट ज़रूर रहता है. तो फ्रूट में आज है ऑरेंज, तो वही यहाँ पे हम लोग अपना लंच कर रहे हैं. जब तक चलिए मैं लंच कर लेती हूँ, आप एक मेरा रिव्यू देख लीजिए. तो व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक प्रोडक्ट का रिव्यू करना चाहती हूँ, जो कि है वाओ स्किन साइंस का आंवला हेयर ऑयल. जी हाँ, आज मैं आपके सामने इस हेयर ऑयल के बारे में बात करना चाहती हूँ. वैसे आप लोग ने बहुत सारे आंवला हेयर ऑयल के बारे में सुना होगा, लेकिन ये क्यों और ऑयल से डिफरेंट है, क्यों इतना यूनिक है, इस वीडियो में हम लोग ये सारी बातें जानने वाले हैं. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, वाओ स्किन साइंस के जो प्रोडक्ट होते हैं वो वीगन होते हैं, किसी भी तरह का उसमें केमिकल नहीं यूज़ होता है, ये पैराबिन फ्री होते हैं, इसमें क्रुएल्टी नहीं होती है, ऑयल ऑयल नहीं होता है. तो आप देख सकते हैं ये जो वाओ स्किन साइंस का हेयर आंवला हेयर ऑयल है, इसकी पैकेजिंग कुछ डिफरेंट टाइप की है. इसमें ब्रश दिया हुआ है, तो आपको अपने हाथों का यूज़ नहीं करना पड़ेगा, आप इस ब्रश की हेल्प से अपने बालों में हेयर ऑयलिंग कर सकते हैं. इसकी जो बॉटल है वो 100 ml की बॉटल है और जिसका प्राइस है वो 325 rupees है. तो इसमें एक QR कोड भी दिया हुआ है, जिसकी हेल्प से आप अपने प्रोडक्ट को चेक कर सकते हैं कि ये ओरिजिनल है या फेक है. क्योंकि आजकल मार्केट में ऑनलाइन बहुत तरह के ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो बिल्कुल नकली होते हैं, फेक होते हैं, लेकिन आप इसके थ्रू इसको चेक कर सकते हैं. और ये मेड इन इंडिया कंपनी है, हिमालयन बॉर्न वाटर से मिल करके बनता है, तो ये बहुत अच्छी बात है, इसलिए आप इसको बिना किसी सेकेंड थॉट के यूज़ कर सकते हैं. तो ये है वाओ स्किन साइंस का आंवला हेयर ऑयल, जो कि नेचुरल आंवला से बना हुआ है. और आंवला हेयर ऑयलों से ये बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि इसमें ये ब्रिसल्स दिए हुए हैं, ये कोम दिया हुआ है, जिसकी हेल्प से आप अपने हेयर में ऑयल अप्लाई कर सकते हैं. आपको अपने फिंगर अप्लाई करने की, लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो अगर आपके बालों में ड्राइनेस है, आपकी स्कैल्प जो है बहुत इचीनेस रहती है, तो आप इस ऑयल को यूज़ कर सकते हैं. और ये नॉन स्टिकी, नॉन ग्रीसी हेयर ऑयल है, तो आपको अपने हेयर पे इसको अप्लाई करने के बाद बिल्कुल ग्रीसी फील नहीं होगा. तो काफ़ी लाइट हेयर ऑयल है, आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं. चलिए देख लेते हैं इसको किस तरह से अप्लाई करना है अपने बालों में. तो ये है हेयर ऑयल की बॉटल, और आपको इस तरह से अपने बालों में बीच बीच में आप सेक्शन लेते हुए इस तरह से आप ब्रश को पीछे बॉटल से प्रेस करेंगे, तो आपके बालों में अच्छे से हेयर ऑयल लग जाएगा. उसके बाद आप चाहें तो आप अपने फिंगर की, यानी कि हाथों की हेल्प से इस तरह से आप बालों में अच्छे से मसाज भी कर सकते हैं. और इसमें 99.90% नेचुरल इंग्रेडिएंट से मिलकर बना हुआ है. तो अगर आप लेना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से एक बार ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा. तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि ये और आंवला हेयर ऑयल जो होते हैं उनसे डिफरेंट क्यों हैं. तो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार आया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा. चलिए बढ़ते हैं अपने ब्लॉग की तरफ. कौन
वेलकम बैक फ्रेंड्स, अभी शाम हो गई है और शाम को आज मैंने कॉफ़ी बनाई थी। जीएस भैया चाय लेकर के आए थे, पर थोड़ी सी चाय मैंने पी, फिर मेरा मन नहीं हो रहा था चाय पीने का, तो मैंने कॉफ़ी पी ली है। वर्मा जी के लिए भी कॉफ़ी बनाई थी, वो अभी बैठे हुए थे अपने ऑफिस में, और अभी मैं अपने बेडरूम वाले रूम पे हूँ। आज मैं बताने वाली हूँ आपको कि मैं शिप पे सारा दिन क्या करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे थे कि आप शिप पे सारा दिन करती क्या हैं, आपको खाना नहीं बनाना होता, काम नहीं करना होता। तो वही सारी बातें आज मैं आपको इस ब्लॉग में बताने वाली हूँ। अभी हम लोगों का लंच आपने देखा, लंच मैंने रिकॉर्ड किया था। रोज़ ऐसा ही हो रहा है कि मैं दिन से ही अपने ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने सोचा है कल मैं ना इवनिंग में अपना ब्लॉग स्टार्ट करूँगी। ये कोई एक दाना हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ, तो कल मैं आपको इवनिंग का शेयर करूँगी, अपने नाइट रूटीन का इवनिंग का ब्लॉग कल दिखाऊँगी, तो वो रहेगा। लेकिन आज मैं आप लोग को बताऊँगी कि मैं करती क्या हूँ, क्योंकि सबके डाउट होते हैं शिप पे कोई काम नहीं होता है, कुछ करना नहीं होता है, तो मैं क्या करती हूँ, तो वही मैं आज आपको बताती हूँ। देखिए, सुबह मैं उठती हूँ, बहुत जल्दी नहीं उठती हूँ मैं 7:30-8 बजे तक उठती हूँ। 8 बजे तो मैं उठ ही जाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे कोई काम नहीं है और आराम से उठती हूँ 8 बजे। फ्रेशन अप होती हूँ और नहा धो करके तैयार हो जाती हूँ 8:30 बजे में, मतलब आधे पौन घंटे में मैं तैयार हो जाती हूँ। फिर मैं हम लोग जाते हैं 9 बजे तक अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए, तो 8:30 से 9:30 बजे का टाइम होता है ब्रेकफास्ट करने का, वो करके आ जाते हैं हम लोग। फिर 10 बजे से पीयू की क्लास होती है, तो पीयू को मैं पढ़ाती हूँ ऑनलाइन, नहीं होती है तो मैं खुद ही पढ़ाती हूँ उसको बैठ करके। कभी 10 से क्लास होती है, कभी 11 से, डिपेंड करता है उसकी टीचर कब उसको पढ़ाती हैं, कब क्या सिखाती हैं, मतलब कब क्लास होती है, वो सब करती हूँ। 12 बजे तक पीयू को फिर पढ़ा के नहला धुला के तैयार कर देती हूँ। उसके बाद पीयू को थोड़ी देर प्ले करने देती हूँ, पीयू प्ले करती है, खेलती है, मेरे से बातें करती है। मैं किसी से फ़ोन पर बात बात करना होता है तो वो कर लेती हूँ, थोड़ी बहुत वीडियो रिकॉर्ड करनी होती है तो वो करती हूँ। और फिर 12:30 बजे से हमारा लंच का टाइम हो जाता है, तो 12:30 से 1:30 मैंने आज रिकॉर्ड करके आपको दिखाई है ही कि वो होता है, लंच होता है। अलग अलग दिन अलग अलग खाना बनता है, वो भी किसी दिन बताऊंगी आपको क्या क्या कैसे बनता है, वो करती हूँ। फिर लंच करके आते हैं हम लोग, तो फिर थोड़ी देर पीयू के साथ बातें करना, खेलना, प्ले करना, ये सब होता है। वर्मा जी से थोड़ी देर बातें कर लिए, फिर पीहू को मैं सुला देती हूँ। अभी पीहू सो रही है, आज वो बहुत ज़्यादा सो रही है, ऐसे तो वो सोती नहीं है लेकिन आज वो सो रही है तो अच्छा है। डे रूम में वो लेटी है सोफे में, और इस समय मैं बेडरूम में हूँ। आप देख के समझ गए होंगे कंडीशन की, ये कितना गंदा सा लग रहा है, बट कोई बात नहीं, टाइम काटने वाली बात है तो वो है। पीहू सो जाती है, उसके बाद 3:30 बजे मेरी चाय आ जाती है, 3:30 से 4 बजे के बीच में, तो वो हम लोग चाय वाय पीते हैं। अगर मुझे कॉफ़ी बनानी होती है तो मैं कॉफ़ी बना लेती हूँ। पीहू भी उठ जाती है तो वो भी उसको दूध दे देती हूँ, बॉर्नविटा मिल्क, वो भी पी लेती है। कुछ खाना वाना होता है जैसे स्नैक हो गया, नमकीन बिस्किट या जो कुछ भी, तो वो हम लोग खा लेते हैं, चिप्स वगैरह। और फिर बस 4:30 बज जाता है, जैसे कि अभी बज रहा है 4:30 बज रहे हैं, और शाम हो जाती है। फिर 5 बजे पीहू हम लोग पीहू को फिर मैं थोड़ी देर पढ़ाती हूँ, जब वो नाश्ता वाश्ता कर लेती है तो मैं उसको आधे पौन घंटे फिर से पढ़ाती हूँ, रिवीजन कराना ये सब करते हैं। फिर हम लोग छत पे चले जाते हैं, छत पे थोड़ी देर वॉक करते हैं, सनसेट देखते हैं, ब्यूटीफुल सीन होते हैं, बहुत सारे शिप आते हैं, छोटी छोटी बोट्स आती हैं, फेरी आती हैं, वो सब मैं देखती हूँ, अच्छा लगता है देख करके, आप लोग को दिखाती हूँ। तो ये होता है। फिर उसके बाद फिर क्या, फिर उसके बाद फिर डिनर का टाइम हो जाता है, 6 से 7 का डिनर का टाइम होता है शिप पे, तो हम लोग फिर चले जाते हैं डिनर करने के लिए। 6:30 बजे के बाद ही जाते हैं, 7:45 से 7:30 तक हमारा डिनर हो जाता है ख़त्म। फिर हम लोग फिर थोड़ी देर वॉक करते हैं आधे घंटे, फिर आ जाते हैं अपने रूम पे, फिर हम लोग मूवी देखते हैं। ये टाइम होता है जो हमारा मूवी देखने का होता है, 8:30-8 बजे से हम लोग 10:30-10 बजे तक मूवी देखते हैं। एक मूवी, एक सीरीज़, कोई एक एपिसोड देख लेते हैं जिससे थोड़ा मूड फ्रेश हो जाता है, तो वो करते हैं बस। फिर मूवी जब ख़त्म होती है, उस बीच में मेरे को अपना वीडियो अपलोडिंग में लगाना होता है, तो मैं वीडियो अपलोडिंग में लगा देती हूँ, वीडियो अपलोड होता रहता है, और पोर्ट होल पर रख देती हूँ तो वीडियो अपलोड हो जाता है। बीच में मैं उसमें डिस्क्रिप्शन वगैरह सब भर देती हूँ, वो कंप्लीट हो जाता है मेरा, क्योंकि सारा दिन मेरे को वीडियो अपलोड करने में लगा कर रखना पड़ता है। और हाँ, आप लोग में से कोई बोल रहा था कि आप अपने व्लॉग में डेट जरूर डाला करिए, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी, अब मैं डेट भी डाल दिया करूँगी। आज है मंडे, तो ये रिसेंट व्लॉग चल रहे हैं, आज मंडे है, या आप ट्यूसडे में व्लॉग देखेंगे, तो ये डेली के व्लॉग में आपके साथ डेली के व्लॉग शेयर कर रही हूँ, पिछला कुछ भी नहीं है। तो आप लोग, अगर मैं कभी डालना भूल जाऊँ तो आप लोग समझ जाना कि ये अभी रिसेंट व्लॉग ही चल रहे हैं, तो ये अभी रिसेंट का ही है, आज मंडे है, कल आप देखेंगे इसे ट्यूसडे में।
बस यही है। फिर उसके बाद पीयू के साथ लेट करके मैं 10-15 मिनट बातें करती हूँ, स्टोरी सुनाती हूँ उसे, स्टोरी सुनाते सुनाते सुला देती हूँ, वो सो जाती है, फिर हम लोग भी सो जाते हैं, फिर नेक्स्ट डे स्टार्ट होता है और फिर पूरा दिन ऐसे ही चलता है। तो बता दिया मैंने आपको मैं सारा दिन क्या करती हूँ। मैं बोर नहीं होती हूँ, मैं अपने आप को बिज़ी रखती हूँ पीहू के साथ, अपने अपने काम के साथ, अपने अपने आप के साथ मैं बोर नहीं होती हूँ। मुझे शिप पे अच्छा लगता है और मैं अपने आप को बिज़ी रखती हूँ ऐसे ही। और इस शिप में मैं जिम नहीं जाती हूँ, बीच में मैं अपना अपने आप को टाइम देती हूँ, बीच में मुझे टाइम मिलता है, मैं एक्सरसाइज करती हूँ, योगा करती हूँ, कभी सुबह करती हूँ, कभी शाम करती हूँ। सारी बातें आपसे और भी शेयर करूँगी, और भी बातें बताऊँगी कैसे कब कब करती हूँ, दिखाऊँगी भी आपको। तो थोड़ा सा आज मैंने आपको बता दिया, डिटेल में ही बताया है, ये मेरा आज का रूटीन था जो मैंने आज किया, कल किया, और आगे क्या करती हूँ कैसे करती हूँ वो सारी बातें मैं आपको दिखाऊँगी बताऊँगी, ठीक है। चलिए अभी तो अभी मैं ब्रिज पे ऊपर आ गई थी पीहू के साथ खेलने के लिए। पीहू झूला झूलती है और मैं थोड़ी देर उसके बातें करती हूँ, खेलती हूँ उससे, तो और थोड़ा सनसेट का व्यू देखती हूँ। तो ये देखिए सामने से एक बोट आ रही थी, तो मैंने सोचा चलो आपको दिखाती हूँ। है ये पास में ही, लेकिन कितनी छोटी सी लग रही है ना, बहुत छोटी लग रही है, बड़ी सी बोट है बट छोटी सी लग रही है। और अभी ये हमारे शिप पर आ गई है, कुछ काम चल रहा है तो उसी का बोट आई है। और लोग आज देखे, आज मैं आपको दिखाऊँगी बोट में कैसे लोग चढ़ते हैं, जबकि इतना ज़्यादा शिप हिल रहा है, रोलिंग हो रही है, उस समय शिप में चढ़ना कितना ज़्यादा मुश्किल भरा काम है। तो ये देखिए यहाँ पे ये जो गैंगवे है वो नीचे किया जा रहा है, और पायलट लैडर भी यहाँ पे लगाई जाएगी, रखी हुई है पायलट लैडर, ये देखिए यहाँ पे, तो ये यहाँ पे नीचे लटकाई जाएगी और इसमें एक एक करके आदमी ऊपर चढ़ेगा जान हथेली पे रख करके। मतलब मेरे को तो बहुत डर लग रहा था देख करके ही कि ये काम बहुत ज़्यादा रिस्की है, बहुत ज़्यादा मतलब जान हथेली पर रख के काम करने वाला काम है। और ये देखिए मैं आपको चारों तरफ का व्यू दिखा रही थी, सनसेट हो चुका है, अंधेरा हो चुका है, पोर्ट की लाइट जल गई हैं, जगमग जगमग सा विशाखापट्टनम दिखाई दे रहा है। तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, व्यू बहुत अच्छा लग रहा था शाम के टाइम, हवा ठंडी चल रही थी और मौसम अच्छा लग रहा था, तो वो मैंने रिकॉर्ड किया। और ये देखिए यहाँ पे एक बंदा नीचे उतर करके पूरा सिस्टम ठीक करता है लोगों के चढ़ने के लिए। तो इसमें कुछ लोग आए हैं हमारे शिप पे, काम हो रहा है, जो वर्किंग वर्क चल रहा है उसी सबको मेंटेन करने को, ठीक करने को। तो अभी आप देखिएगा किस तरह से लोग चढ़ेंगे। तो क्या आपने देखा, एक आदमी ऊपर चढ़ के गया है, और ये देखिए अभी यहाँ दूसरा आदमी चढ़ने वाला है। अंधेरा हो चुका है इसलिए मैं आपको इतना क्लियर नहीं दिखा पा रही हूँ, लेकिन ये वाकई जब मैं देख रही थी ना तो मुझे भी देख करके बहुत डर लग रहा है, क्योंकि इस समय शिप बहुत ज़्यादा हिल रहा है। आप देख सकते हैं छोटी वाली जो बोट है वो कितना ज़्यादा पिचिंग कर रही है, ऊपर नीचे हो रही है। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग, आई होप आपने इस व्लॉग को एंजॉय किया होगा।
प्लीज़ लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स में, जिससे कि वो भी यहाँ की लाइफ को देख सकें और जान सकें कि एक मरीनर की क्या लाइफ होती है। चलिए इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं फिनिश कर देती हूँ और कल मिलती हूँ आपको एक बहुत ही अच्छे से इंटरेस्टिंग से ब्लॉग के साथ। अंधेरा हो चुका है, देखिए जगमग जगमग सी कितनी सुंदर लाइट्स दिख रही हैं। इतना अच्छा तो मेरा कैमरा नहीं इसको फोकस कर रहा है, लेकिन बाकी बहुत अच्छा है। बाय।